वो तो सामने दिख रहे हैं ना, वो इसके रिश्तेदार है। वो मैं कौन रिश्तेदार है, कुछ भी बोलता है भाई। यहाँ पे मेरे ये दादी माँ मंदिर है, देख रहे हो, ये दादी माँ मंदिर है। पता नहीं काय म्हणते पब्लिक, कसं काय, सगळं बरं आहे का? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू द न्यू एपिसोड। आज का एक खास दिन है, हम आज जा रहे हैं आपको ऑनलाइन दर्शन कराएंगे। आज हम पहाड़ी वाली माता जो है यहाँ पे स्थित है, बम्बलेश्वरी माता जो नाम है उनका, वहाँ पे आपके दर्शन कराने वाले आपके ऑनलाइन। तो मेरे साथ बने रहे, आज का बहुत ही खास व्लॉग होने वाला है। मैं ये वो मेरे साथ एनी भी आएगा, अभी ये भी उठ चुका है, मैं उठ चुका, लगभग 7 बज चुके अभी, तो आरती स्टार्ट होने वाली। तो चलिए मिलते यहाँ पे ना, 1100 सीढ़िया, तो अपन 1100 सीढ़िया चढ़ पाएगा भाई। 1100 सीढ़िया है, 1100 सीढ़िया चढ़ेंगे मस्त और घूमेंगे वहाँ पे और दर्शन कराएंगे। गाइस ने जानबूझ के मुझे उठाया, मैं कुछ आने नहीं वाला था। नहीं आएगा गाइस, इसको भी आना पड़ेगा, फिर कैमरा कौन पकड़ेगा? बस मेरा कैमरा मैन ये बन गया अभी फिलहाल में। तो अभी चलते हैं, दर्शन कराता हूँ आप लोगों को, ठीक है? सो गाइस अभी हम जा रहे हैं पैदल पैदल ऊपर तक, 1100 सीढ़िया चढ़ेंगे हम आज, मज़ा आने वाला है, कुछ नया देखने को मिलेगा आप लोगों को भी। बने रे भाई, बिना चप्पल के जा रहे, दिखा तो एक मिनट। ये देख रहे हो हम लोग बिना चप्पल के जा रहे, मामा जी भी बिना चप्पल के जा रहे, छाता वाता पकड़ के मस्त स्टाइल में। ये आ जाए मामा जी, चलो चलो जल्दी चलो, पीछे तो देखो पीछे। अरे उधर कुछ नहीं है, वो देख रहे हो आगे में पहाड़ है, वहाँ पे जाना है हम लोगों को, तो लगभग 1100 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है, तो काफ़ी मज़ा आएगा ये वीडियो में। एंड तक बने रहिए आप लोग। तो चलिए हम एंटर करने वाले हैं मेन गेट पे। सो ये मेन गेट है, कितना प्यारा मेन गेट बना रखा है, देख रहे हो। सो ये चेक करें गाइस, ये है मेन गेट, बम्बलेश्वरी माता जो द्वार है, तो ये मेन गेट है। अपन एंटर कर रहे हैं, मामा जी के आगे अपन एंटर कर रहे हैं, अभी जाएंगे। चलो इसके पहले ना मैं बचपन में बहुत बार आ चुका हूँ यहाँ पे और बहुत बार घूम भी चुका हूँ, पर आप लोगों के साथ मैं एक पहली फर्स्ट टाइम घूम रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। इधर उस साइड कैंटीन है और इस साइड पूरे दुकानें हैं, वो देख रहे हो, वो पूरे दुकानें लगे, वहाँ पे सामान मिलता है पूजा वूजा का। मेरे आई की दुकान है सामान पूजा वूजा की, तो मैंने घर से ही ले लिया हूँ, तो ये कुछ है। तो अभी चलते हैं और आगे जाने का रास्ता यहाँ से, अपन जाएंगे आगे से धीरे धीरे, क्या है क्या नहीं तो देखेंगे बाद में, और मज़ा बहुत आने वाला है। 1100 सीढ़ियाँ चढ़ने का एक्सपीरियंस कुछ नेक्स्ट लेवल का ही है, चलो मेरे साथ में बने रहिए बस आप। तो अभी ये जा रहे, ये एंटर करने का मेन सीढ़िया जो है यहाँ पे, ये है मेन सीढ़िया, यहाँ से स्टार्ट होती है सीढ़िया, यहाँ से लेके आगे तक ना 1100 सीढ़िया गए, तो चढ़ेंगे हम फटाफट। स्टार्टिंग में देखने को मिलता है आपको संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर, ये ऐसा कुछ तरीके ऐसा है कि हनुमान जी का मंदिर, जय हनुमान। और आगे जाते हैं अपन, ये चेक करें गाइस किस तरीके का आर्ट बना हुआ है यहाँ पे, पत्थरों पे ना पेंटिंग बना है, बहुत ही अच्छी दिख रही है पेंटिंग ये ना, बहुत जैसा दिख रहा है ना, जैसी ये बम्बलेश्वरी माता जी है वैसे ही सेम ऊपर में बना हुआ है, पहाड़ी चीर के जो आई है ऐसा स्थित हुए बोलते हैं, तो वही है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं आपके दो के साथ में। चलिए ये सीढ़ियाँ मैन एंटर कर रहे हैं अपन, तो आगे चलते हैं, 1100 सीढ़ियाँ चलने का सफ़र चालू हो गया अपना। गाइस मंदिर में भी लव बर्ड्स अपना काम चालू करते रखते हैं, ये कुछ भी करके रखते हैं अमर प्यार। गाइस अपना सफ़र चालू हो चुका है ऊपर चढ़ने का, बहुत ही मज़ा आ रहा है, मतलब इंटरेस्ट बहुत ही मज़ा आ रहा है अपने को आगे चढ़ने में, और ऊपर से जो व्यू दिख रहा है ना, क्या ही बताओ गाइस, ऊपर से जो व्यू दिख रहा है बहुत ही तगड़ा दिख रहा है। मैं जब टॉप पे पहुँचूंगा ना तो आपको डोंगरगढ़ दिखाऊंगा ऊपर से कैसा दिखता है, ठीक है? अभी मैं ना चलने के ऊपर फोकस करता हूँ, क्योंकि कैमरा की तरफ ध्यान दूंगा तो गिर जाऊंगा, फिर हो गया कल्याण भाई, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ भाई मैं, मतलब मेरे पैरों में दर्द शुरू हो गया है अभी। चढ़ रहे भाई, यानी दर्द नहीं हो रहा पैरों में? दर्द तो जिंदगी में है, सीढ़ियों में कहाँ है। एक मिनट आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ठीक है?
चेक दिस आउट गाइस, ओपी भाई क्या ही दिख रहा है व्यू। ऊपर से ये तालाब है, इस तालाब में मामा जी बता रहे कि मेरे जितनी बड़ी, मतलब लगभग इंसान जितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ यहाँ पे है, और यहाँ पे बोटिंग पे है। तो मेरी बोटिंग के नाम से कान फट रही है, तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा गाइस। तो अभी ऊपर चलते, ऊपर से और नज़ारे दिखाता हूँ। ये तो कुछ नहीं और दिख रहा, ऊपर से जाएंगे तो बहुत तगड़ा सा व्यू दिखेगा, ठीक है। तो अपन चलते ऊपर में भी। भाई यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हो रखी है, और आगे जाना है हम लोगों को। मैं थक गया गाइस, बहुत ज़्यादा थक गया। ये भी चल रहे अपने साथ, हम भी जा रहे, पर आगे जाना ही है, कुछ भी हो जाए वापस नहीं जाएंगे, जितना भी सीढ़ी चढ़ लेंगे, ठीक है गाइस। मज़ा बहुत आ रहा है, कुछ नया एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। तो हम बिना चप्पल के भी आए तो जो भी ठीक है, चलिए। वो भयंकर गर्लफ्रेंड के साथ आऊंगा भाई, सिंगल हूँ मैं भी, सपनों में ब्रो, हमारे नसीब में गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं आज ही सपने में देखा अपने गर्लफ्रेंड के साथ चल रहा हूँ। हाँ भाई मेरे साथ चल रहा है, कुछ भी बोल रहा है कुछ भी बोल रहा है अपने गर्लफ्रेंड। हाँ मेरे सपने में ही गर्लफ्रेंड के साथ जा सकते हैं, हमारे एकित में गर्लफ्रेंड नहीं है भाई। होगी आप, होगी आपके ध्यान में, तो हमको कांटेक्ट करें, हमारा कांटेक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, मेरा नंबर किसी लड़की को शेयर कर देना, गर्लफ्रेंड की सख्त जरूरत है। और थोड़ी सी अमीर देखना, थोड़ी अमीर देखना, क्योंकि मेरे खर्चे वर्चे उठा सके, क्योंकि मेरा ना ब्लॉगिंग में पूरा खर्चा हो जाता है। तो यही है गाइस, मेरा तो खर्चा तो नहीं है। चलो ऊपर जाते हैं अपन। वो भयंकर फट गई इसकी ना पूरी हालत खराब हो रखी है, और मेरी भी, बाप रे। क्या हो गया, चल क्या लग गए, ये लग गए ये लग गए क्या, चल चल। और आ गए ना पास में ही, तो है मामा जी, यही है क्या भाई, भाई आधा और बचा है बोल रहे मामा जी। चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, थक गए नहीं थके, चलो हम जाएंगे। ये 500 550 600 सीढ़ी चढ़ने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कोई ऐसा, मतलब विश्राम गृह है, यहाँ पे बैठ सकते हो। अपन दुकान वकान भी लगी है, हम रुकेंगे नहीं और आगे आगे जाएंगे। तो चलो, पूरा पसीना पसीना हो रखा भाई, पूरा ही पसीना पसीना हो रखा मैं, ये भी पूरा पसीना पसीना हो रखा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा भी एक्सपीरियंस होना ज़िंदगी में, ब्लॉगिंग आसान नहीं है गाइस। ये चेक करे, ये भी मंदिर का, यह फोटो सेशन का है, यहाँ पे फोटो सेशन होता है, यहाँ पे कुछ रुपए में ना फोटो निकालते हैं। हाँ वो तो सामने दिख रहे हैं ना, वो इसके रिश्तेदार है। वो भाई कौन रिश्तेदार है, कुछ भी बोलता है भाई, यहाँ पे मेरे कौन रिश्तेदार आएंगे, मेरे पास मामा जी है। कहाँ है बंदर, ऐसा हाल कुछ भी बोलता है। मेरी देख रहे हो, जिंदा क्या बोलते इसको भाई, जिंदा जिंदा प्राणी, क्या बोलते इसको, हिरन। तो ये है बनाए, कुछ स्टैचू बनाया। अभी ना मैं एनी के रिश्तेदार दिखाऊंगा, मेरे सारे रिश्तेदार है। ये है एनी के रिश्तेदार, तो ये एक है, बुला रहा है एनी को, आ जाओ भाई एनी, तेरे रिलेटिव्स तेरे मेरे सेम ही है भाई। नहीं 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 भैया, बहुत सारे पहले तो नहीं रहते थे यहाँ पे, अब पूरे पोटी वोटी करके रखो भाई, भयंकर। वो क्या कर रहे हो ये ले जा, लेके जाओ इसको, अरे इसको लेके जाओ ना, इसको लेके जाओ, भिजाना, बुला रहे ना लड़की रहती तो यार कुछ नहीं, लड़की रहती तो कह रहा था, बड़ा असली लही है लौंडा बचपन से ही। चेक दिस आउट गाइस, ये है नाग मंदिर, सुबह हम जा रहे नाग मंदिर के दर्शन करने। थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा हम लोगों को, थोड़ा और ऊपर जाके फिर मेन ममलेश्वरी माता जी का मंदिर जो है वो आएगा। तो यहाँ पे अभी ना अपन घंटी वंटी बजाते, लेट्स चेक दिस आउट, ये है कुछ इस तरीके का नाग मंदिर बना है, ये है बोलो। यहाँ के दर्शन वर्शन हो चुके हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग ऊपर में मेन बम्लेश्वरी माता जो मंदिर है ना, वहाँ पे जा रहे हैं, वो चेक करेंगे अभी, ठीक है। ये चेक करें गाइस, साफ ही साफ बन रखे है शेष नाग जी, पूरा फॉग फॉग हो रखा भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा आसपास में, मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है,
और बढ़िया है एक्सपीरियंस, मज़ा आ रहा है गाइस। मैं सोचा ऊपर से ना नीचे का बहुत तगड़ा व्यू दिखाऊंगा आप लोगों को, बट ये ना पूरी फॉग फॉग हो रखी है, देख रहे हो पूरा कोहरा ही कोहरा हो रखा है, तो अभी दिखा नहीं सकते, देखेंगे कुछ देर बाद खुलेगा तो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, ये दादी माँ मंदिर है, देख रहे हो ये दादी माँ मंदिर है, पता है अहम ब्रह्मास्मि दुनिया का आखिरी सत्य मृत्यु। चलो देख रहे हो यहाँ पे ऊपर में कैसा बनाया है मंदिर, तो चलिए अभी आपको मज़ा दिला। तो अभी ना थोड़ा बहुत कोहरा ख़त्म हो रखा है, हम एकदम टॉप पे आ गए हैं, अभी माता के दर्शन आपको, अभी ना मैं बम्लेश्वरी माता जी के आपको ऑनलाइन दर्शन कराऊंगा। अच्छा हो गया यहाँ पे ना ज़्यादा भीड़ भीड़ नहीं है, बट ना बाहर बहुत ज़्यादा तो कोहरा हो रखा है, वो आगे दिखा दो आपको कोहरा, और अभी आपको ऑनलाइन दर्शन कराऊंगा। ये संगमरमर के पत्थर लगे यहाँ पे बहुत ही तगड़े से, ठंडे ठंडे लग रहे पैर को मस्त, यानी थक गया भाई, इसकी हालत देख रहा हूँ, यही हालत खराब हो रखी है दोनों की भाई। मामा जी तो मस्त अपने मजे से जा रहे हैं, तो अभी जा रहे हैं अभी आगे, देख रहे हो पीछे पूरा कोहरा कोहरा हो रखा, देख रहे हो, चेक दिस आउट गाइस, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी, पूरा कोहरा भाई, ऐसा लग रहा हम बादलों में, तो भाई बादलों में तो नहीं आ गए, यानी हम बादलों में तो नहीं आ गए। चेक दिस आउट पेंटिंग, ये चेक करे, ये चेक करे, ये मेन माता जी है, चेक दिस आउट गाइस, ये है बम्लेश्वरी माता, मेन बम्लेश्वरी माता है, दर्शन कर लीजिए आप, जो भी आपको मांगना है इच्छा आपकी मांग लीजिए। और ना ये सर भी यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, देख रहे हो AK-47 लेके सर घूम रहे हैं यहाँ पे, कोई यहाँ पे धक्का बुक्की नहीं कर सकता। यहाँ पे जो दरवाज़ा दिख रहा है आपको, एक पूरा पूरा चांदी से बना हुआ है, और अंदर का जो है पूरा गोल्ड से बना हुआ है, तो अपन चलते हैं आगे दर्शन करते हैं। सर अपन पास में ले जा सकते हैं ना, ले जा सकते हैं पास में, चेक दिस आउट गाइस, ये पंडित जी बैठे यहाँ पे, और आगे में ना वो मंदिर बना, ऊपर में देख लो पूरे का पूरा सोने से बना हुआ है, गोल्ड का है पूरे गोल्ड, और ये है बाहर में ये सिल्वर का है ना, और ऊपर का ये पेंटिंग देख रहे हो आर्ट, दिस ये आर्ट देख रहे हो पूरा भाई, पूरा नेक्स्ट लेवल का आर्ट है, और ये आर्ट ना अपने को सिर्फ और सिर्फ डोंगरगढ़ में ही देखने को मिलेगा। तो अभी दर्शन करते हैं फटाफट से, हमने नारियल वाला दे दिया है, चढ़ाएंगे अभी फटाफट से, और ना यहाँ से निकलेंगे, तो आप दर्शन कर लो ठीक है, अपन यहाँ से निकलते फिर फटाफट से। हमारे दर्शन हो चुके हैं, हम इधर खड़े हैं ना गाइस, इतना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा, क्या बताऊँ, नेक्स्ट लेवल, मज़ा आ रहा है गाइस, तो मज़ा आ गया। यहाँ पे अलाउड नहीं फ़ोन, तो भी मैं फ़ोन रखूँगा ठीक है, मिलते आपको बाहर में। हम अभी यहाँ पे उतर गए, उतर के अभी नारियल फोड़ने के लिए रुके यहाँ पे, नारियल फोड़ते भैया फोड़ के देते अच्छे से, मतलब मस्त तरीके से, यहाँ पे मामा जी नारियल फोड़ने लगा रहे हैं उन लोग को, तो यहाँ से निकलते भी फटाफट से, बाहर का भी चेक करते हैं, आपको बाहर का भी दिखाता हूँ आपको ठीक है। अभी यहाँ पे मन्नत वन्नत मांगते हैं, यहाँ पे जो भी चाहिए मन्नत मांगो, यहाँ पे बांधते हैं, तो मैं भी यहाँ पे बांधूंगा, यहाँ पे भी मेरी कुछ मन्नत है, तो मैं भी मांगूंगा बांधूंगा यहाँ पे, और वो पूरी हो जाने के बाद इसको खोलने आऊँगा है ना गाइस, तो मेरी मन्नत विश करता हूँ पूरी हो जाएगी, और जिसको पता है मुझे क्या चाहिए तो वो समझ जाएगा, और जो भी कुछ चाहिए वो मिल जाएगा मुझे, तो मैं यहाँ पे आके खोल दूंगा ये, फिर जाते ऊपर बांधते अपन, अभी ऐनी बांध रहा है, फिर उसके बाद हम बांधेंगे ठीक है। ये लंबू है ऊपर बांध सकता है, मैं कैसे बांधूंगा भाई, ये ना बहुत ही अच्छा दिखता है, ये देखो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फोटो निकालते, बाहर देख रहे हो कोहरा ही कोहरा है, पूरा पूरा कोहरा हो रखा है, और बाहर से दिखा, चेक दिस आउट गाइस, ये चेक करे कोहरा ही कोहरा भयंकर, देख रहे कुछ नहीं दिखता है, फॉग ही फॉग लगा रखा मेरे कैमरे में, पूरा फॉग आ रखा, ये हम बादलों में आ गए अभी। अब भैया मन्नत मांग रहे, क्या मांगते तो क्या पता, कुछ अच्छा ही मांगेंगे, बोलते हैं यहाँ पे जो कोई मांगता है मन्नत उसकी पूरी हो जाती है, देखते अभी कैसे होते, बांध लिया भाई, हाँ जी अब कुछ निकल के कोहरा हट गया, कोहरा हट गया पूरा, साफ देखो गाइस कोहरा पूरा हट गया,
ट्रेन जाली। चेक दिस आउट गाइस, अभी ना पूरा कोहरा हट गया है, मतलब पूरा का पूरा ही थोड़ा बहुत हट गया है, अभी थोड़ा थोड़ा है। वहाँ पे रेलवे जा रही है, ट्रेन देख रहे हो आगे से ट्रेन जा रही है, और ये कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है डोंगरगढ़ का ऊपर से पूरा का पूरा। गाइस अभी हम ना बादलों में आए, गाइस ये है पूरे के पूरे ऊपर से हमारे साथ फॉग वॉग नहीं है, बादल है, बादल हो रखे हैं। अभी हट गया ठीक है, बादल आ रहे हैं और ऐसे फॉग फॉग हो रहा है, बादल हट रहे हैं तो फिर फॉग ख़त्म हो रखा है। ये ना कुछ नया ही एक्सपीरियंस है ना, यानी मज़ा बहुत आ रहा है गाइस यहाँ पे ना, बहुत ही तगड़ा मज़ा आ रहा है यानी के साथ में, मामा जी के साथ में। तो मामा जी ने हमको बहुत अच्छे से घुमाया यहाँ पे, मज़ा आ गया यहाँ पे गाइस। अभी नीचे उतरते हैं फटाफट से और फिर मिलते हैं आप लोगों को। ये यानी मस्त समोसे के मजा ले रहा है, गर्मा गर्म समोसे खा रहा है। यहाँ से निकलते अभी नीचे उतरते, ठीक है। ये एक बार लास्ट बार देख लो व्यू, मस्त सा व्यू है एकदम। और बाय बाय बम्बलेश्वरी माता, मेरी विश पूरी कर देना, जो भी मेरे मन में आपको बताया मैंने। सो अभी निकल रहा हूँ मैं, अभी आगे की जो राइड होने वाली है मोटो ब्लॉगिंग में वो होने वाली है दुर्ग के लिए। तो अभी दुर्ग जाएंगे हम, दुर्ग सिटी में मेरी दीदी के यहाँ पे, तो वहाँ पे मिलते हैं आपको अभी, ठीक है, मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में। सो गाइस अभी ना वीडियो को अभी यहीं पे एंड करता हूँ, होपफुली आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं ऐसे किसी एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बी सेफ, जय हिंद, बाय बाय गाइस।